देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूँ शुभम कुमार। लॉकडाउन 3 चल रहा है और ऐसे में सरकार के द्वारा थोड़ी रियायतें जो है वो दी गई है। बीते कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि अल्टरनेट दिनों पे जो दुकानें हैं, जो ज़रूरी सामान के दुकानें हैं, जैसे बात कर लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक दुकान हो गई या कार की बात कर लीजिए, ऑटोमोबाइल्स की बात कर लीजिए या पार्ट्स की बात कर लीजिए, इन सब दुकानों को अल्टरनेट दिनों पर खोला जाएगा। तो शुक्रवार को इसकी शुरुआत हुई थी और आज सोमवार है, तो आप पटना के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह पटना की सड़कों पे काफ़ी गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी तादाद में आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पुलिस के पास ये है कि अब 90% जो चेकिंग अभियान जो पुलिस के द्वारा जो लगाया गया था वो पूरी तरह से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस को वाले को भी अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसे पकड़ें और किसे ना पकड़ें। इस वक्त हम राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं गाड़ियों के तादाद को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हल्की छूट मिलने के बाद पटनावासी जो हैं वो सड़कों पर इतने तेज़ी में उतर चुके हैं और लगातार जो गाड़ियों का जो आवागमन है वो चलता ही जा रहा है। तो अभी हम राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के ऊपर हैं और हमने यहाँ की आपको दृश्य दिखाई और अब हम यहाँ से आपको दूसरी तरफ ले कर चलेंगे और यहाँ वहाँ की क्या हालात है हम उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। राजेंद्र नगर फ्लाईओवर से चलकर अब हम चिरैयाटाल फ्लाईओवर पे आ चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है कि जो बिहार में लॉकडाउन है वो चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग जो काफ़ी तादाद में पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं ये देखकर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या पटना में जो लॉकडाउन सफल है या नहीं है। लगातार जो संक्रमण है वो भी बिहार में बढ़ता जा रहा है। अगर अभी तक की बात कर ली जाए तो 707 बिहार में कुल आंकड़े जो हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं और वहीं राजधानी पटना की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में भी 61 पॉजिटिव रिपोर्ट मामले आ चुके हैं। लेकिन फिर भी जो पटना के जो लोग हैं वो लगातार इस थोड़ी सी जो छूट दी गई है सरकार के द्वारा इसका कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। हालाँकि सरकार ने बिगड़ते अर्थव्यवस्था को देखकर हल्की सी छूट दी है, लेकिन उसके बाद जो सड़कों के जो हालात हैं वो देखकर आप समझ सकते हैं कि इस छूट का जो कहीं ना कहीं जो पटना के जो लोग हैं वो गलत फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सरकार भी लगातार लोगों से अपील करती है कि आप बेवजह घर से ना निकलें, अपने घर में रहें, उसके बावजूद भी जो पटना के हालात जो हम आज आपको आज दिखा रहे हैं वो देखकर आप समझ सकते हैं कि सरकार के जो वादे लगातार जो सरकार कह रही है उनका जो पालन है वो पटना के लोग ही नहीं कर रहे हैं, वही इनकी धज्जियां उड़ाते नज़र आ रहे हैं। तो अब हम एग्जीबिशन रोड फ्लाईओवर पे पहुंच चुके हैं और अब हम आपको भट्टाचार्य रोड की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे। आम दिनों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है और वैसा ही नज़ारा आज भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जो है वो है ही नहीं, क्योंकि भट्टाचार्य रोड की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं वो स्पेयर पार्ट्स की हो गई या गाड़ियों की सर्विसिंग की हो गई। तो देख सकते हैं कि किस तरह जैसा नज़ारा पहले देखा जाता था वैसा ही आज भी देखा जा रहा है, क्योंकि एकदम जो स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य नज़र आ रही है और लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में निकलते भी जा रहे हैं। और इसमें इन सब वजहों में सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो पुलिसकर्मी को हो रही है, क्योंकि जो पहले जिस तरह चेकिंग थी वो अब के मुकाबले अगर बात कर लिया तो 90% जो है वो हमने पहले भी बताया था कि वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पुलिस वाले के भी सामने काफ़ी परेशानियां आ रही हैं कि किसको पकड़े किसको नहीं पकड़े, क्योंकि जिस तरह जो दुकानें जो खुल रही हैं अल्टरनेट दिनों पे कुछ शर्तों के साथ सरकार ने ये खोला है, तो उसके बाद जो लोगों के जो तादाद हैं वो देख सकते हैं ये रास्ता जो है ये डाक बंगला रोड की तरफ जाता है, डाक बंगला चौराहा की तरफ जाता है। और इधर जितने भी दुकानें हैं देख सकते हैं टायर ट्यूब की हो गई या स्पेयर पार्ट्स की हो गई, गाड़ियों की दुकानें हो गई, तो यहाँ की भी जो स्थिति इस तरफ की भी जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। पुलिसकर्मी हालांकि रोड पर तैनात हैं लेकिन गाड़ियों की जो चेकिंग जो पहले जिस तरह होती थी देखिए अभी वो चेकिंग नहीं हो रही, क्योंकि इनके सामने भी काफ़ी समस्या आ रही है, क्योंकि इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसे पकड़ें और किसे ना पकड़ें। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल गाड़ियों का जो आवागमन है वो लगातार चलते आ रहा है और पुलिसकर्मी भी रोड के साइड खड़े हैं पर लेकिन एक भी वाहन चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो समस्या है वो उनके पास भी काफ़ी है। और इस तरफ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये रोड जो है स्टेशन के तरफ से आता है तो इधर की भी तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह लॉकडाउन की जो है वो पटनावासी ही धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो हमने आपको पटना की तमाम तस्वीरें दिखाई और आपने देखकर समझा भी होगा कि क्या पटना में लॉकडाउन है या नहीं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप रिपब्लिकन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें।
अभी तक अगर हम अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर ले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।